Hey, what's up guys? Welcome to the new video, new vlog. रात के बज रही है अभी 2:15 तो मैं सुबह से मेरे से ट्राईपॉड मंगवाया, बोला मुझे मेरा वीडियो करने का, अब मेरे को मेरे नए जूते की अनबॉक्सिंग करने के, तो यू नीड टू हेल्प मी. मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ वहाँ पे जाके तब तक, और अंकित तब तक हो जाएगी लेपा पोती करके तैयार. वैसे काफी दिन से ये बॉक्स आया हुआ है पर मैंने अनबॉक्सिंग नहीं किया है. फाइनली हम लोग ट्रिप के लिए निकल रहे हैं तो इसको अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा. मैंने इतनी देर में ना एक मिनी ब्लॉग एडिट कर लिया और उसके अलावा मैंने दूसरे मिनी ब्लॉग का लाइनअप कर लिया जो मैं साथ में ले लूंगा. मैं इसी टाइप के शूज हमेशा पहनता था पर बीच में बंद कर दिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा महंगे लग रहे थे. 23,000 के है पर डिस्काउंट मिला, वरना मैं नाइकी की वेबसाइट से मंगाने वाला था. और डिस्काउंट वाली बात मैंने बताई थी इसको. ये है नाइकी का बॉक्स और ये है हमारे एयर मैक्स स्कॉर्पियन, जो एक्चुअल में ना एक भी नाइकी के स्टोर में नहीं मिलता भाई. ये सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी. मैं कितने सारे स्टोर्स घुमा इसके लिए, मुंबई तक मैंने इसको ढूंढ लिया पर नहीं मिले थे. फाइनली मिल गए एंड होपफुली मुझे कंफर्टेबल लगे क्योंकि मैं आज पहन के सीधा स्टेशन जा रहा हूँ. भाई ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में नाइकी नहीं खरीदी चाहिए, रात थी पहली बार भी नहीं पहनी थी इसने. क्या हुआ, ठीक है, घुट उठ गई. हमारी कैब्स आके खड़ी हुई है, दो कैब मंगाए क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, फटाफट जाते हैं. मेरी प्यारी प्यारी गाड़ी को हम लोग कुछ नहीं, काफी ज्यादा दिन के लिए कवर चढ़ा नहीं डाले, जो आपको देखने मिलेगा इन 3, 2, 1. ओके, तो कवर डन, अभी लेट हो रहा है. एक कैब आ गई है, दूसरी कैब हमारी आने वाली, हम वेट कर रहे. कहाँ है, हेलो भैया, कहाँ थे, किधर रह गए? आधा सामान मम्मी के साथ आगे की गाड़ी में जा रहा है और हम लोग ये गाड़ी में आ रहे हैं. और हमको सुबह सुबह बहुत मस्त भैया मिले हैं. मेरे वाला ऑटो खराब हो गया. ओ बाप रे, लैंडलाइन फोन से तब की बात है. ये देखो सिर्फ एयरपोर्ट लुक मारने के लिए, भाई साहब मैं पहली बार एयरपोर्ट लुक मार रहा हूँ, मैं कभी किया नहीं, ठीक है. मेरे को काफी लोगों ने बोला क्या एयरपोर्ट लुक किया करो, इसीलिए मैंने सोचा इस बार ट्राई करते हैं. वो मैं आपको एयरपोर्ट पे दिखा दूंगा यार. और ये जो आगे गाड़ी जा रही है उसमें बाकी का सामान और मम्मी उसी गाड़ी पे. गाइस हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए और लाइफ में पहली बार हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे आए हुए हैं. गाइस मेरी बैग अंकिता की बैग से बड़ी है पर वजन अंकिता की बैग में भयंकर ज्यादा है. झूठ बात बोल भैया. थैंक यू कि भैया जी बहुत बढ़िया है, बहुत मजा ही बात कर रहे हैं. गाइस 62 इयर्स के हैं, गजब चलाते हैं गाड़ी मस्त. फाइनली हम लोग मम्मी को भी मिले और मम्मी और मेरा थोड़ा बहुत मैचिंग हो रहा है. तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए सिक्योरिटी चेकिंग के बाद. ये जूस पीने चले गए, मैं खा रहा हूँ वड़ापाव और मम्मी पी रही चाय. और अरे मैंने एक काउंट कर दिया. क्या? मैंने वो लिया कूल्स बर्ग. हाँ. और पता नहीं मैं भूल गया घूल रहा है, ऐसे पूरा घूमा ना मैं. हाँ. पूरा गोल सब जगह पे घूम, सब जगह उड़ा. मम्मी मम्मी बोले क्या कर रहा है तू, बार बार क्या एयरपोर्ट आके तेरे को ऐसे करना है. मैंने मम्मी को पुराने वीडियो देख लिया लगता है. मम्मी चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया. यार मेरे को है ना डोसा खाना था, डोसा अवेलेबल नहीं, बोले 6 बजे के बाद आता है. 5:55 की तो फ्लाइट है हमारी. सुबह सुबह आधी रात को कौन डोसा खाता? मम्मी की लाइन सुन रहे, सुबह सुबह आधी रात को ये कैसे होता है? खुर्जी की बेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. और ये देखो गाइस अभी टेक ऑफ भी नहीं हुआ, फ्लाइट लुढ़क गई. तो यहाँ से हमको जाना है T3 में, जो कि यहाँ से 30 मिनट का रास्ता है. यहाँ से बस लेनी पड़ती है जो ये वाले काउंटर पे जाना होता है. अगर आप बोर्डिंग दिखाओगे तो फ्री में मिल जाएगी. हाँ, बोर्डिंग पास दिखाओगे अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिल जाएगी यहाँ से फ्री की टिकट, वरना फिर आपको नॉमिनल 30 रुपये या 20 रुपये कैसे चार्जेस पे करना पड़ता है. तो मम्मी और उनके दोस्त आने बैठ गए और मेरे ना पीछे बैग लगी हुई है तो मेरे को कम्फर्टेबल नहीं हो रहा है, पता नहीं बैग निकालने का मन भी नहीं कर रहा है. फाइनली हम लोग कुछ खाने के लिए आए हैं, इडली वड़ा और मसाला डोसा. तो गाइस मेरा इडली वड़ा आ गया है. कैसा है? तेरा डोसा कैसा है? मम्मी ना कब से बैठे बैठे कंफ्यूज हो रही है. जो सारी प्रोसेस खत्म हो चुकी है उसके बारे में मम्मी बार बार पूछ रही है कि ये प्रोसेस बाकी है कि नहीं बाकी है. हेलो, गुड मॉर्निंग, सब हो चुका है, अब सीधा फ्लाइट में बैठ के पहुंचने का है. वहां जाके वीजा ऑन अराइवल लेने का है, वो बाकी है बस. और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, मुझे भयंकर वाली आंखें जल रही है, आप देख ही सकते हो आंखें लाल भी हो चुकी है. नींद आ रही है, थकान लगी है, पाँव बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं और शोल्डर्स पेन कर रहे हैं बैक की वजह से. अब बिल्कुल ताकत नहीं है, ऐसा मन कर जाकर सो जाऊँ. इसलिए हम सोच रहे हैं हमारा 11A गेट है तो शायद वहाँ पे जाके
बैठ जाते हैं और सो जाते हैं जब तक कि फ्लाइट का टाइम ना हो। ये बोर्डिंग में अभी 1.5 घंटा है, पता नहीं कैसे निकलेगा। लोग गैस बोलो, पिछले आई थिंक 40 आवर्स में भैया जा रहे हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही रिसेंटली उन्होंने आके बात की। पिछले 40 घंटे से शायद हम लोग है ना 15 मिनट ओवरऑल मैक्सिमम 15 मिनट हुए। मैं अभी वीडियो में यही बता रहा था कि हम सब में से ऐसा लग रहा था मम्मी में एनर्जी है, बाकी सब मरेले पड़े हैं, बहुत थकान लगी है कसम से। वो भी क्योंकि क्या मम्मी है ना आराम कर लेती है, जब मम्मी को मौका मिलता है ना सोफे पे बेड पे सो जाती है, मम्मी को पता है कि बेड ना सो जाने का मतलब सो जाने का। यहाँ पे सामने दिख रहा है ना 1 से 14 वाला गेट है, हमारा 11B है, वैसे 11A था, चेंज हो गया 11B हो गया। अरे वाह क्या गजब का शेप बनाया हुआ, ओह बिक रही है इसमें दारू और सिगरेट। इनफैक्ट मैंने बैग रख दी, इतना अच्छा लग रहा है ना कि बैग अपने आप पहुंचे अब वहाँ पे भी जाके मैं वापस रख दूंगा। अरे मम्मी को देखो हीरोइन की तरह पोज मारते हुए आ रही है। हाय हीरोइन, बोर्डिंग में ऑलमोस्ट शायद से आधा घंटा या 15-20 मिनट है, तो थोड़ी देर आँख बंद करके लेटेंगे सो जाएंगे। तब तक सोएंगे जब तक कोई आके खुद ना उठा दे हमको कि चलो फ्लाइट मिस हो जाएगी। गाइस अब हमारे बोर्डिंग टाइम होने वाले, अब जाके ये लॉज फ्री हुए। कितना मस्त है ये देखो गाइस, मस्त पाँव फैला के सो रहे। मेरी तो नींद थोड़ी सी पूरी हुई है पर इतनी नहीं, पोज की जैसा पता है सुबह उठ के फिर ऑफिस होते तो बहुत अच्छी नींद आती है वैसा। अभी मेरी हालत ये है कि अभी मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से खड़ा होकर नहीं आ सकता, ये देखो छोड़ भी नहीं रही, हटा भी नहीं रही। अभी मैं ब्लॉग नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट्स ले लूँगा आसमानी, बाकी सो जाऊँगा फिर वहाँ पहुँच के ब्लॉग करेंगे। फाइनली हम लोग नेपाल में लैंड हो चुके हैं, अभी यहाँ के बाहर निकल के वीज़ा ऑन अराइवल के लेके सब कुछ प्रोसेस करेंगे, सामान वामान लेंगे। पहुँच तो गए नेपाल, यहाँ पर एटमोसफेयर बहुत ठंडा है। देखो मम्मी को ऐसा वहम है कि फ़ोन में मम्मी को चार्ज नहीं लग रहा है, इंटरनेशनल चार्ज लग रहा है, मम्मी को पता नहीं है रिचार्ज खत्म हो जाएगा तुरंत। देखो मम्मी को झटका देते हैं, मम्मी खाली एक अंदाजा है ना कि इंटरनेशनल चार्ज लग रहा है, थोड़ी देर में सिम कार्ड बंद हो जाएगा वापस। तो हम जब लास्ट टाइम आए थे तब जो कैफे में आए थे, हम कॉफी पी थी और बहुत अमेजिंग कॉफी थी, तो वहीं पे हम आए। मॉम के लिए भी कॉफी लिया, मैं ब्लूबेरी चीज केक लिया है और कॉफी, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में, जो उसके अलावा सब में एक है। और हमने सारा का सारा लगेज ऐसे ही इधर रख दिया है। थैंक यू भाई, ब्लूबेरी चीज केक बहुत ही अमी है, कॉफी तो अच्छी होती है यहाँ के, मुझे मालूम है पहले पी हुई हमने। ठीक है, कैसी लगी? कम अच्छी लगी। क्यों? क्यों मम्मी ने कभी कैपेचिनो पी नहीं है ना, मम्मी को कैपेचिनो कम पसंद है, मम्मी को वो देसी हाँ भाई नेस्कैफे घर की कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली इसके साथ। मम्मी को मैंने बोला ब्लूबेरी चीज़ केक ट्राई करें पर मम्मी ने मना कर दिया, और मम्मी ने सिर्फ इसलिए मना किया मुझे मालूम है क्योंकि मम्मी को ऐसे डाउट है कि यहाँ पे हर चीज़ में ये लोग एक डाल देते हैं, पता नहीं 9 दिन नेपाल में मम्मी कहीं से निकालेगी ऐसे, तो देखते कहीं से। मम्मी पता है प्रॉपर गुजराती माँ, नाश्ता साथ में बैग में भर के लाई है, और कितनी सारी चीज़ें तो मैंने निकलवा दी सर, सच बताओ। जैम बे भाई, तू मेरे बिना चली गई? चलट तू कौन है? ठीक है भाई, पैसे मेरे पास आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ओके भाई मैं जाऊँ। तो हम लोग जा रहे हैं होटल, ये भाई इसने चश्मे चढ़ा लिए यार, निकाल प्लीज। फिर मैं कैसे बात करूँगा, मैं नजर आ रहा हूँ। यानी हम लोग जा रहे हैं अकामा होटल, हमने किए हैं, हमको बार बार ना 2 गाड़ी करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा है जो एक गाड़ी में अलाउड नहीं करते हैं, तो 2 गाड़ी करके हम जा रहे हैं। तो एक गाड़ी मम्मी लेके आगे ऑलरेडी निकल चुकी है, दूसरी गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं। तो ले जाओ, मैं तो बोलता हूँ सच में यहीं पर रख लो, मजा आती है। हम लोग पहुँच गए हैं अकामा होटल, तो हमने चेक इन कर लिया है और हमने 2 रूम लिए, एग्जैक्टली सेम है, तो मैं अभी एक रूम आपको दिखा देता हूँ, वैसे वैसे दूसरी भी है। और यहाँ पे हम लोग पहले रुक चुके हैं, तो एग्जैक्टली आपने अगर पहले के ब्लॉग देखे होंगे तो आपने ये वाला रूम भी देखा ही होगा। तो रूम नंबर है हमारा 607, एंटर होते ही इतना बड़ा रूम जिसमें एक्स्ट्रा बेड पता नहीं क्यों लगाया, पता नहीं। यहाँ पे सिटिंग एरिया, बहुत ही अमेजिंग वर्क टेबल, यहाँ पे अंकिता भी आपको काम करते हुए दिखेगी अभी। ये ड्रेसिंग एरिया जो अंकिता का फेवरेट है, ये मैं है, और ये वॉशरूम जहाँ पे ये पर्दा है, इसको हटाने पे आपको कंस्ट्रक्शन साइट का व्यू मिलेगा,
और बाथटब है, शावर एरिया है। कॉमेडी चीज पता नहीं जिसने भी लगाया, यहाँ पे पुश लगाया है, यहाँ पे पुल लगाया है, जबकि एक्चुअली यहाँ से कोई पुश करेगा तो नहीं खुलेगा। ये पुश और पुल किसी ने है ना उल्टा लगाया हुआ है यहाँ पे। सब फ्रेश फ्रेश होने की उसके बाद हम लोग निकलने वाले बाहर। जस्ट फ्रेश होके तुरंत बाहर निकल गए, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। बट हमने सोचा यार जॉन भाई को मिलने का है, उनको हमने प्रॉमिस कर रखा था और मार्केट में जाके हमको मनी एक्सचेंज भी करवाना है, क्योंकि यहाँ पे जब से 2000 की नोट बैन हुई है तब से लोग 500 भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो थोड़ा सा पंगा हो गया, हमको ये पता नहीं था। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि होटल के आसपास में जल्दी गाड़ी नहीं मिलती है, तो हमको जाना पड़ेगा। एक कैब दूर नज़र आ रही है पर वो पता नहीं कैब है या नहीं। जाते हैं, ब्लॉग वॉक करते हैं, थामेल मार्केट जा रहे हैं। एग्जैक्टली डीजा जैसा लग रहा है कि पहले अभी ठंड नहीं है। मम्मी को पूछा था तो मम्मी ने बोला नहीं यार अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल से अपने जाएंगे बाहर। ओके डन। और ऐसे ही थमिल मार्केट के वो नाइट लाइफ में मम्मी को नहीं मजा आएगी। ये देखो ये हाईवे की तरफ आ जाता है और ये वाले रास्ते से हमको आना पड़ता है यहाँ पे, तो बड़ा पंगा रहता है यहाँ पे। ये एक ही प्रॉब्लम है, बाकी ये होटल बहुत ही अमेजिंग है। कैब्स बड़ी है, देखते पूछते हैं। तो हमको मिल चुकी है इलेक्ट्रिक कैब। क्या नाम आपका भैया जी? मेरा रविंद्र। रविंद्र, यहाँ से कितना टाइम लगेगा थमिल पहुँचने में? देखो थमेल मार्केट तो पहुंच गए, पहले बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मैंने ना जॉन भाई को बोला कि आप सीधा का सीधा वहीं पे आओ, मोमो हट। जब वहाँ के चीज गार्लिक मोमो खाए याद आ गया, मतलब पहुंचते ही तो सबसे पहले वहाँ जाके हम मोमो खाएंगे और जॉन भाई से मिलके आगे की प्लानिंग करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी ऐसा लग रहा है मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन वही है कि मम्मी मिलता नहीं, और काफी लोगों ने आते आने से पहले बोल दिया ना कि वहाँ पे खाना है ये वो वगैरह, तो मेंटालिटी बन गई है। चले यार चलो, कहीं नहीं मोमो हट पे जाके बाकी की बात करते हैं। तो हम पहुंच गए मोमो हट। गाइस मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप थमेल में कभी आओ ना तो यहाँ के मोमो ट्राई करना, गजब होते हैं, खास करके चीज़ गार्लिक वाला। तो पहले हमने सोचा नीचे मिल लेंगे उनको और फिर जाएंगे हम अपने मोमो हट पे, पर उनको कॉल किया वो लोग, वो कुछ पार्किंग वार्किंग करके आ रहे, तो हमने उनको बोला तो वो बोल रहे कि मैं ऊपर ही आके मिल लूंगा सीधा, क्योंकि उनको पार्किंग करके फिर पैदल आने में टाइम लगेगा। यहीं पर बैठना तो वहाँ पर क्या करना। मिक्स वेजिटेबल मंगाए हमने 5 पीस और मंगाए गार्लिक एंड चीज 5 पीस। बाद में अगर भूख लगेगी तो कहीं और जाके कुछ खाएंगे या तो यहाँ पे सोचेंगे कुछ खाने का, देखते हैं जॉन भाई उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। तो द मोमो इन मेकिंग। हेलो, अरे वापस से जॉन भाई, हेल्थ हेल्थ बढ़ रही है ना, हेल्थ बढ़ी है और अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस कम लेते हो। तो गाइस हमारे मोमोज आ गए, ये वाले कौन से मिक्स है और ये है चीज और गार्लिक। तो हमारा फ्राइड राइस भी आ गया है, यमी यमी। चलो मोमो हट से निकल गए हैं। ये मार्केट की एक अच्छी चीज क्या है, आपको टाइम पता नहीं चलता है। रात को 8 बजे भी आपको 12 बजे के रात को लगेगा और रात को 12 बजे आपको लगेगा शाम के 8 बजे भी, एक्टिव ही रहता है, एक जैसे एक्टिव रहता है। सुबह 6 बजे भी एक्टिव ही होता है। हाँ, जब यहाँ पे वो फिर अचानक वो पुलिस वाला आके डंडे वंडे मार के वो चिट्ठी निकालते हैं ना, तब पता चलता है, अच्छा लगता है, रात को 1 बजे लगता है। गुड नाइट। देखो ये जॉन भाई के पिताजी और वो मदर। चलो गुड नाइट। ओके गाइस, तो वापस से होटल पे पहुंच चुके हैं। जॉन भाई अपने पेरेंट्स को लेके आए, वो भी इतने स्वीट है ना, मजा आ गया। और वो लोग हमको स्पेशली ड्रॉप करने आए थे। हां, और मैं तो बहुत ज्यादा खुशी को भी फेवरेट लेस नेक लाइक अभी खाने वाली रूम में जाकर अभी रात। हां, मेरे को बहुत क्रेविंग है, बहुत स्पाइसी होता है ये। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत थकान और नींद आ रही है और सुबह जल्दी उठना भी है। मैं अभी सोने वाला नहीं हूं, एडिटिंग करनी है मेरे को, एडिटिंग करनी है तो करके फिर सोऊंगा मैं। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू लव। गुड 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 नाइट। गुड नाइट नहीं, उनकी गुड मॉर्निंग है। बाय गाइस, लव यू लव। लव यू गाइस, बाय।